मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव पहुंची वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम योगी का किया जमकर गुणगान। यूपी के विधानसभा चुनावों के दौरान सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव बुधवार को श्रीधाम वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य प्रभु बिहारी जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर परिवार में सुख शांति की कामना की। इस बीच सेवायत गोस्वामियों ने उनका जोशीला स्वागत कर प्रसादी भेंट की। दर्शन उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुई अपर्णा यादव ने हाल ही में संपन्न हुई नवरात्रि पर रामनवमी पर भगवा यात्रा के दौरान की गई व्यवस्था के लिए योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की। समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे सभी का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस प्रकार से इस विजन को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी प्रचंड बहुमत में सीटें आई हैं। 36 में से 33 सीटें आई हैं, 3 निर्दलीय हैं। तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित MLC हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत शुभकामनाएं जी। अगले साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी टोलते हैं। मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। तो मैं समझती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बात उचित नहीं है, पर उन्होंने ये बात क्यों कही ये इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है मुझे पता है कि वो सही है और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का ये आज से नहीं पुरातन काल से यही वस्त्र है जी। महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे जी इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस चैत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाए, जगह जगह पे जो जुलूस हुए, सार्वजनिक रूप से रामनवमी के दिन जो है सनातन परंपरा और संस्कृति से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाले और सौहार्दपूर्वक जो है रमज़ान भी चल रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, तो ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ कि ये बयान उन्होंने क्यों कहा, अलगाववाद करने के लिए क्या कहा या उनके मन में जो भी बात आई होगी ये बात पे वही